तीर्वगति अभ्यास सात। हाय असिस्टार्ट, आदरणीय महोदय, परदेशों के खाद्य मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री ने बताया है कि अप्रैल में गेहूं और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। सब परदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं। अन्न का जो संकट आज देश के सामने है, समूचे अर्थतंत्र के सरकारीकरण की बात सोचने वालों का उससे हौसला बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्षों के भयंकर अकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची, लेकिन अब आयात निर्यात चीनी कपड़ा लोहा अनाज आदि सब के व्यापार पर सरकार कब्जा करना चाहती है, क्योंकि इस सरकारीकरण को ही समाजवाद का पर्याय समझा जाता है। वित्त मंत्रालय पहले 50 लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी 2 करोड़ टन अनाज की खरीद फरोख्त में 20 लाख रुपए फंसाने को कैसे तैयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तर्क है, यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं। अभी तक सिर्फ 6 प्रदेश ही इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन अब सब प्रदेशों ने किस आधार पर इस फैसले का स्वागत किया, इसके कारण भी स्पष्ट नहीं। पैरा सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी देखभाल का दायित्व जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए। अनाज का क्षेत्र ऐसा ही है। जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरीक्षक की भूमिका यदि निभाए और अभाव की पूर्ति का ही जिम्मा संभाले तो समस्या का द्विपक्षीय हल भी निकल जा सकता है और सरकार बहुत सी परेशानियों तथा आलोचनाओं से भी बच सकती है। लेकिन अब जो कदम उठाया जा रहा है उसका परिणाम इससे भिन्न होगा कि जनता की पहल खत्म होती जाएगी। एक के बाद दूसरे क्षेत्र के सरकारीकरण की आवश्यकता महसूस होगी और सरकार तथा जनता की दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। फुल स्टॉप।